किसान संगोष्ठी का हुआ आयोजन, किसान प्राकृतिक खेती अपनाए। डॉक्टर दून प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्वकर्मा में शनिवार को आयोजित किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में युवा जागृति फाउंडेशन प्रदेश संयोजक डॉक्टर बलराम दून ने किसानों की प्राकृतिक खेती के साथ साथ ही पानी बचाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने एवं समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने, जैविक खेती पर जोर दिया। वहीं वरिष्ठ वैज्ञानिक NL मीना डॉक्टर राम गोपाल जाट ने रासायनिक खेती एवं जैविक खेती के अंतर के बारे में विस्तार से बताया। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी डायरेक्टर राम कुमार दुसाद ने भी किसानों को जैविक खेती के बारे में सरकार द्वारा अनुदान व कृषि योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में युवा जागृति फाउंडेशन प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र मंडोलिया ने किसानों को रासायनिक खेती से भविष्य में हो रही खतरनाक कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों के बारे में बताया। किसानों को सुझाव दिया गया ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी बहन हेमा कविता बहन ने भी प्राकृतिक एवं जैविक खेती पर जोर दिया। इसी मौके पर चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्य को याद दिलाया। उनकी जयंती और राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में बनाया गया प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। इस मौके पर कृषक मित्र अध्यक्ष प्रभु दयाल सैनी, कृषि विभाग सुपरवाइजर नरेंद्र करोड़ीवाल सहित सैकड़ों किसानों ने भाग लिया।